परम सत्कार जो गुरु रूप साध संगत जी वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरू जी फतेह। आप सारे पता है कि डॉक्टर अमरजीत सिंह जी उन्होंने गुरु जी की माता जी माता जतेंद्र कौर जी जेडे कुछ अरसा पहला अकाल चलना कर गए हैं उन्होंने संबंध में अच्छे श्रद्धांजलि का समारोह हो रहा जिस दे हाजरी लाने वास्ते दूर दराडे तो पंथक के नुमाइंदाकार गुरसेवक इतने पहुँचे हुए ने। भावें बाबा फरीद जी ने यह फैसला कर दिता जित दिहाड़े धन भरी सारे राय रखाए जिहड़ा मनुख दुनिया से आया तो उसे जाण की तरीक जी वो गुरु पातशाह नाल ला दिती। पर सतसंग जी विछोड़ा जिहड़ा विछोड़ा भी एक दुख है। सब तो बड़ा दुख यह है कि पंथ की लड़ाई लड़ने डॉक्टर अमरजीत सिंह ने जी अपने माता तो 25 साल का विछोड़ा जलावतनी कटी है। मैं इन्हों का तह दिल धन्यवादी हाँ जिन्होंने अपने हौसले के गिरावट नहीं लगी क्योंकि विछोड़ा एक यहोजी चीज़ है। बहुत अहिजा चीज़ा ऐड हो जाए जिंदगी दे अपनी मंजिल मकसूद तो थले लै आदि। सो थानू गुरु ने शक्ति बख्शी मनुख की जिंदगी दे जिहोजी परवरिश होती है मनुख ते उस परवरिश का हमेशा असर रहिंदा। मैं समझदा कि सरदारनी तुहाडे माता जी की कीती हुई परवरिश जिहड़ी आ अज पंथ दे विच घूम रही आ। मैं समझदा कि अज सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने यही होगी कि आपां जो थोड़ी उन्होंने परवरिश करके जिस लाइन पर उन्होंने थोड़ा लाया आप सारे ही उस गाइडलाइन में फॉलो करते हुए सिखा की आज़ादी की गल जारी रखिए। इस काफले को बधाइए। इस मौके श्रोमणी अकाली दल ने तो पहला सरदार सिंह हो सकता गल करते हो थोड़ा लेट आए हैं। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर अमरीका वालों और पार्टी के कौमी प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान वालों भी हमदर्दी का सुनेहा चिट्ठी राही भी डॉक्टर साहब को भेजा गया तो उन्होंने स्टेज पर भी दास आप जी को सुनेहा दे रहा है। उन्होंने चेचे तौर पर उन्होंने नाल हमदर्दी का सुनेहा भेजा। सो अज सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने यही होगी कि जिहड़ी सोच उन्होंने अपने सपुत्र को दी है उस सोच को आप माड़ा मोटिया गलां बातों तो उपर उठ के उस काफले के कुछ वाधा करिए जिहड़ी थिब्बी लाऊ क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा जिहड़ा संघर्ष लिया। एक तो संघर्ष तुहानू दुश्मनां नाल लड़ना पैंदा एक संघर्ष सानू साडे अपणिआं नाल लड़ना पैंदा यह दो संघर्ष लड़ने पैंदे ने इस जिंदगी दे विच। सो आप सच्ची श्रद्धांजलि अज माता जी को यह होगी कि आप थिब्बी लाऊ कल्चर तो उपर उठ के खालसा की आजादी ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़िए यही माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दे नाल ही मैं फतेह अर्ज करता हाँ वाहेगुरू जी का खालसा। सतसंग जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सरदार हरभजन सिंह चहल साडे लोकल संघ के डिस्टिंग्विश मैंबर ने उन्होंने मेरी शिकायत लाई सी कि तू जी 5 मिनट की लिमिट रखी सी वो तो बहुत बोली जाते हैं तो मैं चार साल बेनती करूँ भी 5 मिनट तो बहुत टाइम नहीं लेना तो हम चार साल वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की निघी तो मिठी गोद में जुड़ बैठे गुरु बारे खालसा जी करो फतेह सिंह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। 31 जुलाई तू माता जी अपना 88 साल जीवन पूरा करके संसार में अलविदा कह के गुरु महाराज के चरणों में जाप राजे हैं यह अटल सच्चाई है। साड़ी संसार पल के रेंदे होया ये कंप्लेन होंगी है कि भी बड़ी अनहोनी होगी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का वचन है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं कि जो उपजो सो बिन सह पर आज के कार जिहड़ी चीज़ उपजी है वह बिन सुनाए जो भी चीज़ साढ़े सामने भी असं वेखते हैं उन्हें अगर संसार तो जाना तो जाना भी जरूरी है वो वास्ते चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जनता तक मीडिया जोड़ होनी हो मार्ग संसार को ना थर नहीं पे तो चिंता ता करिए जे अणहोनी हुई होनी है और आप सारी कूच लगे हुए हैं सिर्फ आप अपनी बारी की उड़ीक कर रहे हैं कि बारी आपको अपनी कोई न बंदे धीर हुक्म है अटल है। सो उस माता जी जिन्ना बारे मेरे तो पहला जिन्हें भी बुला रहे हैं सारे ने बहुत कुछ लिया अपने अपने तरीके श्रद्धांजलि भेंट की माँ के बारे बहुत कुछ लिखा गया है बहुत कुछ लिखने पढ़ने मिलता है कि सत्रह हन कि माँ जैसा बूटा मैं किधर नज़र ना आए कि माँ एक ऐसा बूटा होंगे जिसे असं दाल कर सकते हैं पर वो जो टुटे हुए फुल दूर दूर देशों देशों तक जो पहुँच जाते उन्होंने खुशबू जरूर माणते हैं जिन्होंने एक हम डॉक्टर अमरजीत सिंह मेरे बहुत नेड़े लेकिन मेरे छोटे वीर भी हैं तो मेरे यार भी हैं इन्हों 1991 पहली बार न्यूयॉर्क जो मिले परेड से आए सन उतों मैं इन्होंने इनविटेशन कार्ड दिता तो फिर ये मेरे को पहली बार वाशिंगटन डीसी जो आए है अपने आप से मैं माण महसूस कर सकता कि इन्होंने मैं लेके आया और उस तो बाद दो तीन साल वैसे ही आते रहे तो फिर असं इन्हों जो भी कैपीटल के उत्ते किसी कांग्रेसमैन जी किसी सैनिक ना मैं इन्होंने नाल हमेशा जाता रहा। हर माँ की ख्वाहिश होंगी है कि मेरी कुख तो पैदा होने वाला बच्चा वो इन्होंने तिना गुणों के एक गुण जोड़ा वो जरूर हो जननी जने तो भगत जन क्या दाता क्या सूर नहीं तो जननी बाज रही काय गवा रह कि जो भगत हो सुरमा हो नहीं तो कुख नी ए ना ही जमे तो ठीक है। सो ये मैं गुरु महाराज की हजूरी खड़ के सच कह की जरूरत करता कि तिने गुण वैसे तो एक गुण हर एक इंसान चुनता कि एक भी नहीं होंगे अद्धा गुण ही होंगे ये तीन गुण जो ने डॉक्टर अमरजीत सिंह के बच्चे हैं। जिड़े के पिछले 21 साल तो असं इन्होंने नाल विचरे असं देखे हैं दाते है किडे खन असं दाता उन्होंने गण लेंगे भी जो गुरुद्वारे 500 डॉलर का चैक देते हुए तो खतर ही चकारी भी छड़ दे रहे हैं क्योंकि जी इन्हें बड़ा दान किया असं उन्होंने कह दें तन मन धन दे सेवा की ये बिल्कुल असं झूठ बोल जाने कि बिल्कुल गलत है। दाता वह होंगे जोड़ा अपने तिने पड़ा तीन चीज़ा जिंदगी जो बोल दें इन्हों कठिया रला है तन मन के धन ये तीन वक् वक् हिस्से हैं साड़ी जिंदगी के धन वो होंगे जोड़ा अज तो पहला कट्ठा हो चुका होंगे तन वह है जो अज है मान वह है जो फ्यूचर की प्लैन करता है ये डॉक्टर अमरजीत सिंह उन्होंने ये तीन चीज़ा पंथ को समर्पित हैं साढ़े शायद एक अद्धा भी गुण ना हो क्योंकि जदों तो इस लहर के चले है मैं इन्हों मिलया बहुत बड़ा योगदान है इन्हों बहुत कुछ इन्होंने पंथ की झोली के पाया कि जो इन्हों शान दे जो इन्हों की शख्सियत मैं आख्या ये बिल्कुल कोई विधाक ढाके नहीं है क्योंकि फुल नूं फुल कहना फुल की औसत नहीं होंगी यह सच है। हाँ कंडे नूं फुल कह देना झूठी औसत जरूर होंगी है क्योंकि जिन्होंने कंडे नूं कंडा कहा कंडे नूं कंडा कहा गुरु नानक साहब ने कहा फिर बाबर की जेल च जाना पड़ा कंडे नूं कंडा कहा तत्ती तवी ते बैठना पड़ा कंडे नूं कंडा कहा दिल्ली जाके सीस कटवाना पड़ा कंडे नूं कंडा कहा नीहां चढ़ना पड़ा कंडे नूं कंडा कहा ते 5 साल के बच्चे का तड़फदा दिल कढ के मूंह दे विच पाउणा पड़ा कंडे नूं कंडा कहा खोपड़ियां लुहाणियां पईआं पुठियां खल्लां लुहाणियां पईआं ये झूठी उपमा नहीं है। सो अज असीं सारे भी जिहड़े बुलारे पहलां बोले आ सारे ने यही गल आखी है कि डॉक्टर अमरजीत सिंह उन्होंने बहुत देन है पर अज साडी भी एक जिम्मेवारी बनती है सारे जिन्हें भी इतने बहुत बहुत सुलझे सरोते सुलझे विद्वान सज्जन बैठे ने देश प्रदेश दे विच आए कि माता नूं सच्ची श्रद्धांजलि यह होएगी कि उन्होंने दी कुख दे विचों पैदा होया ये हीरा जो उन्होंने खालसा पंथ की झोली दे विच पाया ये सानू अज इस हीरे को सामने की लोड़ है।
जिस जिस राह के उत्ते जिस मंजिले मकसूद सर करने वास्ते तुरे हुए ने सानू इन्हां दा साथ देने की जरूरत है। ये सच्ची संधाई जी होगी क्योंकि साडा सुभाव बन चुका है जो बंदा संसार दे विच हुंदा है उदों उहदी असीं बहुत घट कदर करते हैं जो संसार तो चला जाता है फिर असीं खंड पाठ दे लड़ियां ला देने बाद दे विच इत्थे करते हैं। सो अज इन्हां दी जिहड़ी इह करम दे ने धनी ने इह विद्वान ने इन्ना कुछ इन्होंने सिख पंथ दे विच लिखिया सिख कौन ने लिखिया और उस ब्राह्मण रूपी दैत का मूंह तोड़ा हुआ जवाब दिता है चाहे वह खालसा कालिंग के थले हो चाहे वह चढ़ती कला का आइडेंटिटी पेज हो चाहे रेडियो के उत्ते इन्होंने होस्ट किया हो बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान मुंडे बैठे ने चाहिए यह है कि उन्होंने सारिया लिखतों को सामभ के रखा जाए जिन्होंने कि आने वाली सारे पीढ़ियां सदा याद रखन वो भी माण महसूस कर सके भीहवीं सदी के अखीर में इक्कीवीं सदी के शुरू कुछ सिख पंथ के एडा विद्वान पैदा होया जिन्हें सिख पंथ की राखी की हकों के उत्ते पहरा दिता वो साडा इतिहास बन जाए माता कोई नहीं भुला सकता आने वाली सदियों तक जो डॉक्टर अमरजीत सिंह का नाँ आएगा ना तो उदू पहला माता जतेंद्र कौर का नाँ आएगा कि उन्होंने तो एस एस डेट में आस पुत्र पैदा होया सी नहीं तो पिछले साल मैं इंडिया गया सी मैं बेचारे की समाप्ति कर रही हाँ क्योंकि मेरे तो पिछले भी बहुत विद्वानों ने बोलना कारां दे पिछले पासे स्टिकर दे उत्ते लिखा अक्सर मिलता सी कि जिस महान जरनैल नूं असी समय जदों उन्हां दा जीवन सी कई ने तो इतों तक करके उन्होंने चुंबड़ घाटी का डाकू भी आख्या 21वीं सदी के महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले उन्होंने बाबत लिखिया कारण तो मैं जब पढ़िया तो मन भी भर आया और शब्दों का मन भी झुकया उस तरह लिखिया सन कि जो बर्फ बने हुए खून नूं दे जाए उबाला जो बर्फ बने हुए खून नूं दे जाए उबाला कलगी बाले सतगुरा बख्श दूं इक वेर पिंडरां वाला। सो इस दे नाल ही मैं अपने विचारां की समाप्ति करता है तो किसी भी पुछ लिखा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।